शादो आंटी, डस्टिंग से जरा अच्छी कीजिएगा, आज मेरे दोस्त खाने पे आ रहे हैं। वही तो नहीं जो शराबें शरूबें पी के आ जाते हैं, पिछली दफा भी आए थे। एक ने तो हाजी साहब की दीवार पे पेशाब कर दिया था, उन्होंने पानी भा के कलमा पढ़ के पाक किया था। वैसे एक बात तो बताएं, ये जो दफ्तर वालियाँ होती हैं उनके लिए ज़रूरी है कि मर्दों को बुलाएं? मुझे ज़्यादा अरसा तो नहीं हुआ आपके घर काम करते, पर आपके किरदार की गवाही दे सकती हूँ। बड़ी फ़कीर बंदी हूँ, आपके सर पे माँ बाप का साया नहीं, इसलिए समझा रही हूँ। ये फटी फुटी जीने और टी शर्टें ना पहना करें, मर्द तो कपड़े में ढकी औरतों को नहीं छोड़ते। आप तो दीदी, मुझे पता है आपने बुरा मनाया मेरी बात का, पर आप तो ड्रामे लिखती हैं, आपको तो पता है। वो जो आपका आखिरी ड्रामा नहीं आया था, बेचारी नादिया, उसमें जो शरीफ बहन होती है वो शलवारें कमीजें पहनती है, दुपट्टा लेती है, और जो जीन टी शर्ट पहनती है दूसरी बहन, वो कितनी टैक्सी और गश्ती होती है। औरत अपने कपड़ों से पहले पहचानी जाती है और किरदार से बाद में। मेरी बात सुने, मुझे यहाँ आके ये मत बताया करें कि मैं कौन से कपड़े पहनूं कौन से ना पहनूं, और मुझे ये भी मत बताया करें कि मोहल्ले के लोग मेरे बारे में क्या बकवास करते हैं। मैं जो काम करती हूँ, जैसा काम करती हूँ, किसी को समझाने के लिए भौंकूंगी नहीं। नहीं बीबी, आप क्यों भौंकेंगी? भौंकूंगी, भौंक सकती हूं, काट भी सकती हूं। और तुम क्या समझोगे मुझे, क्या जानोगे मुझे? इस मुल्क में मैं अगर साइंटिस्ट बन जाऊं या प्राइम मिनिस्टर, चैनल ऑनर बन जाऊं या एजुकेशनिस्ट, मेरी सारी काबिलियत के बावजूद ये सोसाइटी मुझे अछूत की तरह ही ट्रीट करेगी। मेरी बदनामी के पोस्टर्स दीवारों पर लगाने के लिए हमेशा तैयार बैठी रहेगी। मज़ा नहीं आया स्क्रिप्ट में, बहुत ड्रैग लगा मुझे तो, और मसाला भी कम है। जी, पूरा स्क्रिप्ट बदल देंगे। बेचारी नादिया के बाद मनहूस तन्नो का सीक्वल आना चाहिए था, ये बोरिंग चीज़ आएगी, ये चलेगी नहीं भाई। हाँ जी, मालूम है मुझे, टीवी सीरियल्स की हीरोइंस तो बनी ही लाते हैं घुस्से गालियाँ खाने के लिए। पूरा स्क्रिप्ट बदल देंगे, ब्रेड एंड बटर है मेरा, मजबूरी सारा कुछ करा लेती है मुझसे। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्यों अल्लाह हाफिज बोलूं, खुदा हाफिज ही बोलूंगी, मेरी मर्जी अल्लाह हाफिज बोले। मूड बड़ा खराब है आज। क्या हो गया?
जी शादो है। हाँ शादो आंटी, शादो आंटी, शादो आंटी। वो क्या शोर मचाया वह? क्या हो गया? सबा बीबी, ये जो मेरा खौंद है ना, ये डरता बहुत है मेरे से। इसकी बहन पिंड दादन खान रहती है, गुसल खाने में गिर गई है, चूकने की हड्डी टूट गई है उसकी। फिर वैसे अल्लाह माफी, मुझे बचपन से जब किसी के गिरने की बात सुनती थी ना, तो मुझे बड़ी हंसी आती थी। सबा बीबी, जब मैं छोटी सी थी ना, ये भाटी में रहते थे हम, हिंदुओं की बिल्डिंग में। जब अब्बा केले लाता था ना, तो मैं खा के छिलका नीचे फेंक देती थी और छुप के देखती थी। जब कोई गिरता था तो मुझे बड़ी हंसी आती थी। अच्छा ये बताएं, शादी किससे करनी है आपने? वो रूमी फूले फूले गालों वाला या हुसैन कुमार से? वैसे उससे तो ना ही करें, बड़ा ही बोर बंदा लगता है। अच्छा उससे कर लें, वो बहुत अच्छा है, वो जिसने बटन लगवाए थे कमीज के मेरे से, दो बटन पता नहीं कैसे टूट गए थे। वैसे शुक्र है कमीज के ही टूटे थे। अच्छा शादू आंटी, मैं जरा फ्लावर्स और कैंडल्स लेने जा रही हूँ। फूड पांडा को भी मैंने मीठे का ऑर्डर कर दिया था, आपको कुछ चाहिए वहां से? आपको पता तो है मेरा छिल्ली लिया ना। शादो आंटी, आपकी तो बस छल्ली हर वक्त। अपने बच्चों से भी मैं यही फरमाइश करती हूँ, बस इनके बाप से नहीं करती। एक टहनी 200 रुपए की आई है, पता है? हाय अल्लाह, 200 रुपए? ये महंगाई तो सिर पे चढ़ के मुजरा कर रही है निदा चौधरी की तरह। तुम भी ना। तोबा बाजी तोबा, कानों को हाथ लगा हुआ है। वैसे आप मेरे लिए इतनी सारी छलियां ले आई हैं, थैंक यू बीबी। अरे शादो आंटी, छलियां क्या आपसे बढ़कर हैं? हाय आंटी, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप मुझे आंटी कहती हैं ना, ऐसा लगता है कि मेरी भी कोई इज्जत है। ये जो अमीरों के बच्चे बच्चियाँ नौकर नौकर कहते हैं ना, मुझे बड़ा जहर लगता है। ये आंटी ऐसे लगता है जैसे कोई मेम नहीं होती, उसकी घुटनों तक फ्राक हो और वो अपने कुत्ते को सैर करा रही हो, बड़ा अच्छा लगता है। वैसे शादू आंटी हो मजे की। हाय छल्ली का शौक ना मुझे बाजी शादी से पहले पड़ा था। शादी के बाद मैंने शफीक से कहना कि मुझे छल्ली ला दिया कर, मोटी दानों से भरी हुई, ये लंबी गर्मा गर्म। पर उस बगैरत ने कहा मेरी बात सुननी थी, कभी नहीं ला के दी। फिर मैंने एक पठान से बात कर, सवात का पठान था, अकबर खान था नाम उसका। मैंने उसे कहा कि खान साहब, बस रोज़ आपने मुझे छली ला कर देनी है, भूभल से निकलती हुई गर्मा गर्म ताज़ा छली। जैसे इस बगैरत ने घर से निकलना, मेरे दरवाज़े पे खट खट होनी और मैंने उससे मोटी ताज़ा गरम छली ले लेनी। अच्छा बाजी, वो बेटा मेरा आ रहा है, अब्बा तो उसका पिंड दफा हुआ हुआ है, तो मैंने कहा था मुझे ले जाना दोस्त की मोटरसाइकिल लेके। बाजी जी 100-150 रुपया तो दे दें पेट्रोल डलाने। अच्छा
होंगे, कुछ आपके दोस्त छोड़ के भी गए हैं कि ले गए हैं सारा कुछ अपने घर से, तो चिड़ी के खाने का खाना लेके आते हैं और हमारे घर से भर भर के ले जाते हैं। कुछ नहीं लेके गए शादु आंटी, क्या है? शुक्र है। वैसे शादु आंटी, वो कल जो लड़का आपको लेने आया था, बड़ा प्यारा था, कौन था? मेरा छोटा बेटा यूसुफ, नाम का असर आया है ना। वैसे मेरे बाकी बच्चे भी बड़े गोरे चिट्टे प्यारे हैं। यूसुफ आपका और शफीक अंकल का बेटा लगता तो नहीं है? किस पे गया है? ले दस, बच्चों ने माँ बाप पे जाना होता है और किस पे जाना है। सच सच और क्या। अकबर खाना फखर राग ले, ओ आया बनवाता बुल्ला, ओ आया बनवाता बुल्ला, धरती कंबी تخیل پا تصویر دلک ساتا پارا راشا دلک ساتا پارا راشا